हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी डेट शीट जो है कब तक रिलीज की जाएंगी आपके जून 2022 एग्जाम्स के लिए। क्या एग्जाम जून 2022 के पोस्टपोन होने के चांसेस है, एग्जाम फॉर्म कब तक आएगा, या असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपकी डेट शीट जो है अभी तक क्यों नहीं आई है। सो उसका रीज़न साफ साफ सिंपल सा ये है, जो कि आपके एग्जाम थे दिसंबर 2021 की, अभी तक उसका पूरा रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिजल्ट जो है आपका अपडेट्स में आ रहा है। तो जो भी दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं जिनका भी एग्ज़ाम मार्च के मंथ में हुआ है, उनको जो है दोबारा चांस दिया जाएगा कि वो जून में अपना एग्ज़ाम दे पाए, अगर वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो जब तक कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक जो है आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया। यही रीज़न है कि आपके जो कोविड के चक्कर में एग्ज़ाम आपके डिले हुए थे, पोस्टपोन हुए थे, वही रीज़न है कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी पोस्टपोन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा डाउट आता है कि डेट शीट देखिए आपकी तभी आएंगे जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है रिलीज़ किया जाएगा। हर बार एक दो में ऐसा ही होता है कि आपका मार्च के मंथ में एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किया जाता है, साथ ही में एक टेंटेटिव ड्यू शीट आपकी रिलीज़ की जाती है। हालांकि अभी तक जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है, तो यही रीज़न है कि आपकी जो है डेट शीट को भी अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। तो अब एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएगा, कोई भी जो है ऑफिशियल डेट इग्नू की तरफ से इग्नू ने नहीं बताई है। चांसेस सबसे ज़्यादा यही है कि मई के मंथ में जो आ जाएगा, चांसेस यही था कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन अभी तक जो है नहीं आया है क्योंकि रिजल्ट जो है अभी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया गया है आपके मार्च एग्ज़ाम का, जो कि आपके मार्च में एग्ज़ाम चल रहे हैं स्टूडेंट के। यूजुअली एग्ज़ाम मार्च में नहीं होते, यूजुअली आपके दिसंबर और जून में होते हैं। मार्च में होने का रीज़न ये था कि एग्ज़ाम्स को जो है कोविड के चक्कर में पोस्टपोन किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कब तक आपकी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा। तो लग तो यही रहा है, चांसेस ये कि मई के मंथ में आपका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा। कब आएगा एग्जैक्ट डेट इग्नू की तरफ से जो है नहीं आई है, ये भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मई के मंथ में आपका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाना चाहिए, साथ ही में आपकी जो है डेट शीट भी आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये उठ के आता है कि अगर मई के मंथ में आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म और डेट शीट आएगी तो क्या आपके एग्ज़ाम जो है जून के मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस चीज़ का आंसर है नहीं। मुश्किल लग रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम जून में जो है कंडक्ट करवा जाएंगे, यानी कि जून के फर्स्ट वीक से, यानी कि जून 1 तारीख से कंडक्ट करवा जाएंगे। 7 तारीख आज हो चुकी है, अभी तक कोई भी जो है डेट शीट, एग्ज़ाम फॉर्म या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जो है नोटिस इग्नू की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो चांसेस आपके यही है कि आपके जून के एग्ज़ाम्स को भी थोड़ा सा डीले यानी कि पोस्टपोन किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस आपकी यही जो है अभी के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मई के मंथ में आपका अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं आया, 7 तारीख आप हो चुके हैं, तो जून में आप कैसे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा सकते हैं। साथ ही में बीएससी के काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अभी तक ना तो असाइनमेंट्स आए हैं, ना ही आपके स्टडी मटेरियल जो है इग्नू की ई-ज्ञान कोर्स वेबसाइट पर दिए गए हैं। तो ना तो स्टूडेंट के पास असाइनमेंट है, ना ही स्टूडेंट के पास स्टडी मटेरियल है, तो स्टूडेंट असाइनमेंट भी क्या ही सबमिट करेगा। तो इसलिए जो आपकी लास्ट डेट है 15 मई, चांसेस ये भी ज़्यादा है कि आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट को भी एक्सटेंड किया जाएगा 15 मई से आगे, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम जून में 1 तारीख से जो है कंडक्ट होने के चांसेस थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। आपके जून के एग्ज़ाम्स को भी डीले यानी कि पोस्टपोन किया जा सकता है। हालांकि इग्नू की तरफ से अब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी थोड़ा वेट कीजिए इग्नू के ऑफिशियल नोटिस आने का। बट चांसेस सबसे ज़्यादा यही है कि मई के मंथ में आपका एग्ज़ाम फॉर्म एंड डेट शीट आ जानी चाहिए, साथ ही में आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और आपके जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो भी जो है एक्सटेंड किए जा सकते हैं 15 तारीख से आगे। यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज जो है 7 तारीख है, अभी तक जो है इग्नू की वेबसाइट पर ना तो एग्ज़ाम फॉर्म आया है, ना ही आपकी जो है डेट शीट आई है। तो अभी के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए कब तक जो है आपकी डेट शीट आ जाए। होप यही करते हैं कि 15 तारीख तक, 15 मई तक आपके जो है एग्ज़ाम फॉर्म एंड डेट शीट आ जानी चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। बिकॉज स्टूडेंट्स को जो है अभी तक यही नहीं पता होगा कि उनके एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। सो हम यही होप करके चल रहे हैं कि आपकी जो है डेट शीट एंड एग्ज़ाम फॉर्म 15 मई तक आ जाना चाहिए इग्नू में। अगर कोई भी अपडेट आपका एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, डेट शीट से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड आता है, तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के बता दूंगा। सो मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।